जय जिनेन्द्र बंधुओं, हम सभी लोग जो तत्वार्थ सूत्र जी की कक्षा स्वाध्याय कर रहे हैं, आज हम इस कक्षा में दूसरे अध्याय के जो कुछ सूत्र हम पढ़ रहे थे उन सूत्रों को पूरा करेंगे, समझेंगे उसमें क्या क्या वर्णन दिया गया है। आइए सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण के बाद हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अज्ञायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय, पढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि राजों की जय, अहिंसा मई जैन धर्म की जय। बंधुओं, हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज की दूसरे अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और दूसरे अध्याय के स्वाध्याय में बहुत अच्छा वर्णन इस समय चल रहा है। शरीरों की बात आ रही है, पांच प्रकार के शरीर हैं और उन पांच प्रकार के शरीरों में भी उन्होंने कहा कि कौन सा शरीर कब होता है, किस शरीर कितने एक साथ कितने शरीर होते हैं, ये सारे प्रश्नों का एक साथ समाधान हमें दूसरे अध्याय में मिल रहा है। काफी सारे प्रश्न आप लोगों के इससे जुड़े हुए होंगे, सारे प्रश्नों का समाधान तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज में दिया हुआ। जरूरत है एकाग्र होकर अध्ययन करने की, स्वाध्याय करने की, और हम सभी लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं इसके माध्यम से हमारे सारे प्रश्नों का समाधान हमें तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज से प्राप्त हो रहा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन शेयर के माध्यम से, आपकी स्क्रीन पर यह पुस्तक दिख रही है, इस पुस्तक में हमने जो कल के सूत्र पढ़े हुए थे एक दो सूत्र उनकी बात यहाँ पर आई है, आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सूत्र नंबर 43वां था, इसमें बताया कि पांच शरीर में से एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं, तो कहा तदादीनी भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्या, तदादीनी भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्या। यहाँ पर कहा है तदादीनी मतलब तेजस और कार्मण शरीर को आदि लेकर के एक जीव में युगपत, युगपत मतलब एक साथ, आ चतुर्भ्या मतलब चार तक भाज्यानि विभक्त करना चाहिए, मतलब एक जीव में एक साथ चार शरीर हो सकते। अब चार शरीर कौन कौन से होंगे, तो कहा दो शरीर यदि कोई होंगे विग्रह गति की अवस्था में तो होंगे तेजस और कार्मण शरीर, और यदि तीन शरीर होंगे तो तेजस कार्मण और औदारिक होंगे, अथवा तेजस कार्मण और वैक्रियक होंगे देव और नारकियों के। इसके बाद फिर कहा चार शरीर यदि हो रहे हैं तो चार शरीर कौन कौन से होंगे, तो कहा आहारक तेजस कार्मण और औदारिक, इस प्रकार से ये चार शरीर हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ पर बताई। फिर कहा 44 नंबर का सूत्र में कहा कि निरुपभोगम अंत्यम, निरुपभोगम अंत्यम मतलब अंतिम वाला जो शरीर है वो निरुपभोग है, उसका भोग नहीं होता, भोग मतलब इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, तो कार्मण शरीर इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता, ना हम देख सकते हैं, ना उसको सूंघ सकते हैं, ना हम उसको छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, इसलिए वो निरुपभोग है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होगा। अब अगला जो प्रश्न आता है कि भाई किस जन्म लेने वाले पर कौन सा शरीर होगा, जैसे मान लीजिए किसी ने सम्मूर्छन जन्म लिया, किसी ने गर्भ जन्म लिया, किसी ने उपपाद जन्म लिया, तीन प्रकार के जन्म हैं। अभी चर्चा पहले तीन प्रकार के जन्म की आई थी ना, उन्होंने कहा था सम्मूर्छन गर्भोपपादाह जन्म, ये एक सूत्र हमने पढ़ा था, उसमें बताया था हम लोगों को कि सम्मूर्छन गर्भ और उपपाद ये तीन जन्म होते हैं। इस सूत्र में यहाँ पर बता रहे हैं कि किस जन्म से कौन सा शरीर प्राप्त किया जा सकता है, तो तीन जन्म है, तीनों जन्मों में कौन कौन से शरीर होते हैं आइए देखते हैं। सूत्र नंबर है 45वें नंबर का, ये लीजिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, अब आप लोगों को
ये समझ में आ जाएगा। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, सूत्र का उच्चारण है गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। माध्यम नहीं बोलना है, कुछ लोग माध्यम बोल देते हैं, भाई माध्यम नहीं है, माध्यम है। द्यम, दा और या को मिलकर के यहाँ पर द्या बनता है, तो कुछ लोग विद्यालय बोल देते, विद्यालय नहीं है वो, विद्यालय है द्या। ऐसे ही विद्यासागर जब अपन बोलते हैं तो आचार्य श्री का नाम लेते हैं तो कहते हैं विद्यासागर, विद्यासागर, विद्यासागर नहीं है वो, वो है विद्या, द्या, ध्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा गर्भ सम्मूर्छनजम आद्यम, मतलब कि गर्भ और सम्मूर्छन जन्म से जो शरीर उत्पन्न होता है वो कौन सा है, तो कहते आद्यम, मतलब पहला वाला शरीर है। आद्यम मतलब पहला, पहला कौन सा, तो पहला होता है औदारिक शरीर, क्योंकि सूत्र में सबसे पहले कथन उसी का किया था, औदारिक व्यक्रियक आहारक तेजस कर्माणी शरीराणी, ये सूत्र हम पहले पढ़ करके आए हैं। सूत्र में बताया था कि औदारिक आदि शरीर होते हैं, तो औदारिक पहला शरीर है, तो कहते हैं पहला जो औदारिक शरीर है वो किन किन की होता है, वो गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वालों के पहला शरीर होता है, कौन सा, औदारिक। फिर प्रश्न आता है कि तीन प्रकार के जन्म है, गर्भ सम्मूर्छन और उपपाद, तो गर्भ और सम्मूर्छन वालों का तो औदारिक शरीर बता दिया, उपपाद वालों का कौन सा शरीर होगा, ये बचे रह गए ना एक, तो उपपाद वालों का शरीर कौन सा होगा, उसके लिए अगला सूत्र इन्होंने दिया है। आइए सूत्र नंबर 46 को पढ़ेंगे, 46 ये लीजिए, मैंने इसको भी अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। इसका उच्चारण है औपपादिकम वैक्रियकम, औपपादिकम वैक्रियकम, वैक्रियक नहीं है, बा नहीं है, वै, वैक्रियकम, क्रियकम, ठीक है। तो कैसे बोलना है, औपपादिकम वैक्रियकम, ठीक है, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। इसका उच्चारण हमने कर लिया, अब इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ है इसका औपपादिकम वैक्रियकम, मतलब उपपाद जन्म जिसे जो शरीर उत्पन्न होता है वह कौन सा है, वह शरीर है वैक्रियक शरीर, वैक्रियक शरीर जो है वह उपपाद जन्म वालों के होता है। अब उपपाद जन्म किन किन का होता है ये भी तो आप सोचिए, गर्भ जन्म किन किन का होता है, सम्मूर्छन जन्म किस किन किन का होता है, रिवीजन करिए। देखो सबसे पहले गर्भ सम्मूर्छन माध्यम, मतलब गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वालों के औदारिक शरीर होता है, ठीक है। अब गर्भ और सम्मूर्छन जन्म होता किन का है, तो देखो किन किन का होता है, गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म, तो सबसे पहले गर्भ जन्म होता है जरायुज अंडज पोता नाम गर्भ, एक सूत्र आया था, जरायुज अंडज और पोत, ये तीन जन्म वालों का गर्भ जन्म माना जाता है। अच्छा, और देव और नारकियों को छोड़कर जितने भी एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय जन्म ले रहे हैं, इनका जन्म कौन सा है, इनका जन्म है सम्मूर्छन जन्म, ठीक है। कुछ कुछ पंचेंद्रियों का भी होता है, तो कुल मिलाकर के सम्मूर्छन जन्म और गर्भ जन्म वालों के औदारिक शरीर होता है। औदारिक शरीर क्या है ये भी तो ध्यान रखना है आपको, औदारिक शरीर मतलब होता है वह शरीर जो स्थूल होता है, जो स्वयं रोकता भी है और दूसरों को रोकता भी है, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर औदारिक है। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि हमारा जन्म कौन सा जन्म है, हमारा जन्म गर्भ जन्म। तो आपको पहले वाले पिछले वाले जो सूत्र है ना उनको भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि आप उनको भूल जाए, भूलना नहीं है हमें, उनको भी याद रखना है। और ये जो नए नए सूत्र है इनमें जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी है वह सब हमें अपने हृदयंगम करना है, ऐसा नहीं है कि ये आज आज का ही याद रहे और पिछला भूल जाए, पिछला भी याद रखिए, तो जोड़ते चलिएगा, नया नया आप यदि जोड़ते जाएंगे उसी में तो, और पिछला वाला भी याद करते जाइए तो आपका ज्ञान स्थिर बना रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाए। तो अब फिर आता है उपपाद जन्म, अब उपपाद जन्म किन का होता है, उपपाद जन्म के लिए एक सूत्र दिया हुआ था, कौन सा, देव नारकाणाम उपपादा दिया था ना सूत्र, देव नारकाणाम उपपादा, मतलब देव और नारकियों के जन्म कौन सा होता है, देव और नारकियों के उपपाद जन्म होता है, ठीक है। अब
वही इन्होंने कहा है कि औपपादिकम वैक्रियकम, तो ऐसे देव और नार की जो है उनका शरीर कौन सा शरीर होगा, वो होगा वैक्रियक शरीर, क्योंकि उनका उपपाद जन्म होता है। अच्छा, और हम लोगों का कौन सा शरीर है? देखो, हम लोगों का शरीर कौन सा है, हम लोगों का शरीर का पता करेंगे यहां से सूत्र नंबर 45 से, गर्भ सम्मूर्छनज माध्य। गर्भ जन्म हम लोगों का हुआ है, तो हम लोगों का यदि गर्भ जन्म है अथवा सम्मूर्छन जन्म है, तो देखो भाई सम्मूर्छन जन्म तो हम लोगों का है नहीं, हमारा तो गर्भ जन्म है, क्योंकि हम गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और गर्भ से उत्पन्न हुए हैं माता पिता से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हमारा आद्यम मतलब पहला वाला शरीर है औदारिक शरीर, हमारा शरीर है औदारिक क्योंकि हमारा गर्भ जन्म हुआ है। देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है, इसलिए उनका वैक्रियक शरीर होता है। ठीक है, बहुत सरल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक और तरीके से वैक्रियक शरीर होता है, कैसे होता है भाई, कैसे हम बिना उपपाद जन्म वालों के भी वैक्रियक शरीर होता है क्या, क्या वो भी वैक्रियक शरीर उत्पन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं? तो बोले हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए अगला सूत्र पढ़ेंगे हम, 47वें नंबर का सूत्र है ये, आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, तो देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये देखिए, ये सूत्र है, इसका उच्चारण सुनिएगा, लब्धि प्रत्ययम् च, लब्धि प्रत्ययम् च, बहुत सरल उच्चारण है, एक दो बार में आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, पहली बार में ही आ जाएगा अगर आप अभ्यास अच्छे से पढ़ेंगे तो। तो देखिए, लब्धि प्रत्ययम्, लब्धि प्रत्ययम् मतलब है कि ये जो वैक्रियक शरीर है वह लब्धि से भी प्राप्त हो जाता है। भाई लब्धि क्या है, लब्धि जो हमने पहले पढ़ा था एक सूत्र, लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम, वो वाला लब्धि नहीं है, उसमें तो लब्धि का मतलब था कि क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं, यहां पर कहा है कि कोई तपस्या आदि करने से रिद्धि रूप में अगर प्राप्त हो जाता है तब उसको उन्होंने कहा है कि तप के प्रभाव से भी रिद्धि प्राप्त हो जाने से वैक्रियक शरीर माना जाता है। कैसे, किनको माना जाता है, मनुष्यों के, मनुष्यों के, यदि वो मनुष्य तपस्या विशेष कर लें और रिद्धि प्राप्त कर लें, विक्रिया रिद्धि प्राप्त कर लें, तब उनके जो है तप के प्रभाव से वैक्रियक शरीर माना जाता है। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत तो यहां पर होगी नहीं। अब आप कहेंगे कैसे मान लें, अब मान लीजिए विष्णु कुमार मुनि का एक कथन आता है, हमने रक्षाबंधन की कथा सुनी है, उसमें वो तप कर रहे थे और तप करते समय वहां पर एक क्षुल्लक जी पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि हमारे गुरुजी ने बताया है कि वहां पर हस्तिनापुर में जो संकट आया है मुनिराज के ऊपर, जो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि है उनके ऊपर संकट आया है, उपसर्ग हुआ है, अतः आप उसको ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कैसे, तो बोले कि आपको विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई। उन्होंने कहा विक्रिया रिद्धि मुझे प्रकट हो गई। उन्होंने तुरंत क्या किया, उन्होंने तुरंत ही अपने हाथ को ऐसा फैलाया, जैसे ही फैलाया तो वो हाथ बहुत लंबा होता चला। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला हमें ये कि इस प्रकार से भी विक्रिया रिद्धि होती है। अब चक्रवर्ती जो होता है ना, चक्रवर्ती को भी विक्रिया रिद्धि होती है। चक्रवर्ती क्या करता है, उसकी अनेकों रानियां हैं, हाँ, अनेकों स्थानों पर उसको उपस्थित होना पड़ता है, सबके साथ उसको रहना पड़ता है, तब वो क्या करता है, अपने अनेकों शरीर बना करके और इस प्रकार से अपना काम चलाता है। तो वो क्या है, वो होती है विक्रिया रिद्धि। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विशेष तप आदि करने से, तप के प्रभाव से रिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, उसको लब्धि कहते हैं, और इस प्रकार से भी लब्धि के द्वारा रिद्धि, विक्रिया रिद्धि के द्वारा भी विक्रियक शरीर प्राप्त कर लिया जाता है। अब जो शरीर बन रहे हैं विक्रिया रिद्धि से, उन शरीरों को हम क्या कहेंगे, औदारिक शरीर नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे वैक्रियक शरीर। कौन सा, वैक्रियक शरीर कहेंगे। इस प्रकार से जो वैक्रियक शरीर है वो किन किन के होता है, अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, देवनारकियों के तो होता ही है, उपपाद जन्म वाले हैं ये इसलिए, लेकिन लब्धि के द्वारा भी होता है,
लब्धि मतलब विशेष तप आदि करने से जो रिद्धि होती है उसे लब्धि कहते हैं। तो रिद्धि के द्वारा भी विक्रिया, रिद्धि के द्वारा भी वैक्रियक शरीर होता है, ये हमें इस सूत्र से मालूम चला। आइए अब अगले जो हमारे अगले शरीर हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि भाई तप के प्रभाव से क्या वैक्रियक शरीर ही होता है, और शरीर भी होते हैं क्या तप के प्रभाव से? तो उसके लिए अगला सूत्र दिया है, सूत्र नंबर 48। देखो अब देखिए यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर कहते हैं 48वें नंबर के सूत्र में बताया है कि कौन सा शरीर है जो वैक्रियक के साथ साथ वो भी लब्धि प्रत्यय होता है। सूत्र नंबर 48, उसका उच्चारण सुनिएगा, तेजस मपि, ठीक है। वो कहते हैं तेजसम अपि, मतलब तेजस शरीर भी जो है वह तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय है, मतलब रिद्धि के द्वारा यह भी प्राप्त होता है। अब ये तेजस शरीर जो है वह शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है, ठीक है। तो एक दो प्रकार का होता है, देखो तेजस शरीर दो प्रकार का है, कैसा? देखो लब्धि प्रत्यय की बात आई ना, एक तो आपने कहा कि ये तो सब जीवों के होता है, तो सब जीवों के वो सामान्य तेजस शरीर होता है, उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दूसरा एक तेजस शरीर होता है जो शरीर से निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, आहारक, जैसे आहारक शरीर में आहारक पुतला निकलता है मुनिराज के मस्तक से, वैसे ही उन्होंने कहा कि मुनिराज के तपस्वी मुनिराज हैं यदि, और उनको यदि रिद्धि प्रकट हो जाए तप के प्रभाव से तेजस शरीर भी आ जाता है, उसके माध्यम से होता क्या है, उन्होंने कहा ये शुभ भी होता है और अशुभ भी हो जाता है। मान लीजिए कि बहुत महामारी फैली हुई है, दुर्भिक्ष है, परेशान है लोग, तो उनके जो है बहुत करुणा उत्पन्न होगी, और करुणा के कारण से दाहिने कंधे से उनके जो है शुभ तेजस का एक पुतला निकल करके संपूर्ण 12 योजन जाएगा और संपूर्ण लोगों को जो है महामारी से, बीमारी आदि से दूर कर देगा, ठीक है। अब यदि मुनिराज यदि क्रोध में आ जाए, बहुत उन्हें क्रोध उत्पन्न हो जाए, तब उनके बाएं कंधे से एक पुतला निकलेगा, और वो पुतला निकल करके जो है जाएगा, वो 12 योजन के अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे सारे जीवों को मारता हुआ जो है वो आता है, और आकर के वह बहुत तेज रहता है, बहुत कषायों से उत्पन्न होता है वह, और वह क्या करता है, वह उस समय आकर के फिर वो पुनः मुनिराज के शरीर में आता है और उनको भी जला देता है। इस प्रकार से तेजस शरीर दो प्रकार का है, तो लब्धि के द्वारा भी तेजस शरीर प्राप्त होता है। एक तेजस शरीर तो सभी जीवों के है, वो भी अनादि काल से है, सूत्र हमने पढ़ा था अभी पहले अनादि संबंधे चा, उसमें बताया था तेजस और कारमन शरीर अनादि काल से, वो तो है ही, ये दूसरा वाला तेजस शरीर है जो शरीर से निकल जाता है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है कौन सा शरीर है, तेजस शरीर। अब आगे आहारक शरीर की चर्चा आई है तो उसका सूत्र भी है 49वें नंबर का, आइए इसको पढ़ते हैं। मैं इसका उच्चारण करता हूं, शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। देखो मैं अलग अलग करके उच्चारण कर रहा हूं, अच्छे से सुनना आप लोग। शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव, ठीक है। शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव, इसका उच्चारण तो आप लोगों को आ गया। अब इसका अर्थ देखते हैं। इसका पहले तो हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा शुभम विशुद्धम अव्याघाति, फिर उसके बाद में चा, चा के बाद में फिर आहारकम, उसके बाद में फिर प्रमत्त संयतस्य, उसके बाद में एव, ठीक है। ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अर्थ इसका क्या है, इसका अर्थ है कि आहारकम मतलब जो आहारक शरीर है वो आहारक शरीर कैसा है, तो कहा शुभम शुभ है, अच्छा है। विशुद्धम मतलब विशुद्ध है, बहुत शुद्धि से उत्पन्न होता है, विशुद्ध परिणामों से उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर कहा है अव्याघाती, व्याघात से रहित है, इसमें कोई रोकता नहीं है इसे, न किसी से ये रुकता है, न किसी को रोकता है, न किसी से रुकता है,
ऐसा अव्याघाती है, ठीक है। और किनके होता है, कौन कौन जीवों के ये होता है, तो कहा प्रमत्त संयतस्यैव, प्रमत्त संयत के होता है। जो छठवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज हैं उनको प्रमत्त संयत मुनि कहा गया है। ऐसे वह जो छठवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज हैं उन मुनिराज के ही यह आहारक शरीर पाया जाता है। ये यहाँ पर इस सूत्र में हमें बतलाया है। समझ में आया कि ये जो है ये बहुत ही शुभ होता है, शुभ कार्य करने वाला होता है, बहुत विशुद्ध होता है, विशुद्ध होने के साथ साथ व्याघात आदि से रहित होता है, कोई आघात व्याघात नहीं होता इस पर, कोई रोकता नहीं है, ना किसी से ये रोकता है, और मुनिराज के शरीर से उत्पन्न होता है, मुनिराज को ही ये उत्पन्न होगा, अन्य किसी को नहीं होगा। कौन से मुनिराज, तो कहा छठवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज के ही यह पाया जाता है। ठीक है, बहुत सरल सूत्र है, ज्यादा आपको कठिनाई इसमें नहीं होगी। अब देख लेते हैं अगला एक सूत्र है कि अब कहते हैं कि कौन कौन से जो जीव है उनका कौन कौन सा लिंग होता है उसके बारे में बता रहे हैं। लिंग मतलब क्या, लिंग मतलब तीन प्रकार के लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो उन्हीं में यहाँ पर उन्होंने विभाजन किया है कि कौन सी गति के, कौन सी जाति के, कौन से जन्म वाले जीव होते हैं जिनको जो है नपुंसक लिंग होता है, किन का पुल्लिंग होता है और किन का स्त्रीलिंग होता है, किन का चारों सभी तीनों प्रकार के लिंग होते हैं, तो उसकी चर्चा अगले सूत्रों में की गई है। सूत्र नंबर 50वां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आइए मैं इसका उच्चारण करता हूं, सुनिएगा। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि, ठीक है, उच्चारण कठिन नहीं है। कहते हैं नारक मतलब नारकी जीव, सम्मूर्छिनो मतलब सम्मूर्छन जन्म वाले जीव, एक तो नारकी जीव और दूसरे सम्मूर्छन जन्म जिनका होता है, ऐसे सम्मूर्छन जीव वो कैसे होते हैं, तो उन्होंने कहा नपुंसकानि, कैसे हैं, नपुंसकानि मतलब वो नपुंसक होते हैं। क्या कहा है सुनिएगा अच्छे से, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि मतलब नारकी जीव, जितने भी नरकों में जितने भी जीव हैं ये सारे के सारे जीव कैसे हैं, सारे के सारे जीव नपुंसक हैं, स्त्री नहीं है उनमें ना कोई पुरुष है, वो नपुंसक हैं। और सम्मूर्छिनो मतलब जितने सम्मूर्छन जीव हैं ये सारे के सारे सम्मूर्छन जीव नपुंसक हैं। मतलब क्या है, मतलब ये एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं वो सब सम्मूर्छन जीव माने गए हैं, ठीक है। तो वो सम्मूर्छन जन्म है, जन्म वाले हैं, इसलिए वो सभी नपुंसक जीव, ठीक है, ये यहाँ पर इस सूत्र में हमें समझ में आया। अब फिर प्रश्न आता है कि क्या नपुंसक और भी होते हैं, देवादि नारकियों को तो आपने नपुंसक कह दिया, क्या देव भी नपुंसक होते हैं, तो उन्होंने अगला सूत्र दिया है, सूत्र मैं पढ़ रहा हूं सुनिएगा। न देवाहा मतलब देवगति के जो जीव होते हैं न उनमें नपुंसक लिंग नहीं होता, मतलब नपुंसक लिंग नहीं होता मतलब तीन लिंग में से नपुंसक नहीं होगा, तो स्त्री और पुरुष तो होंगे, तो स्त्री और पुरुष होते हैं, देव और देवियां होती हैं, नपुंसक का वहां देवों देवगति में कोई स्थान नहीं है। अब बाकी के कौन बच्चे हैं, बाकी के बच्चे रहे मनुष्य बच्चे हैं, अभी तो त्रयंच भी बच्चे हैं, पंचेंद्रिय बहुत सारे लोग बच्चे, उनका कौन कौन सा लिंग होता है, आइए अगले सूत्र में पढ़ते हैं, सूत्र नंबर 52 देखिए। शेषास्त्रिवेदाः, बहुत सरल उच्चारण है, शेषास्त्रिवेदाः मतलब शेषाः, जितने बचे रह गए, जितने बचे रह गए मतलब जितने भी त्रियंच जीव हैं गर्भज, जिनको गर्भ जन्म हुआ है, सम्मूर्छन वाले नहीं, और मनुष्य जो गर्भ जन्म से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे गर्भ जन्म वाले मनुष्य और त्रियंच, ये कैसे होते हैं, ये तीनों वेद वाले कैसे होते हैं, तीनों वेद वाले होते हैं, स्त्री भी पुरुष भी और नपुंसक भी, तो तीनों वेद वाले मतलब तीनों लिंग वाले होते हैं,
मतलब स्त्री पुरुष और नपुंसक वाले होते हैं भाई, मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे ट्रांसजेंडर भी होंगे, तो तीनों भेद मनुष्य और त्रियंचों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये सूत्र बताया। अब आइए अंतिम सूत्र पढ़ते हैं, इस अध्याय का दूसरा अध्याय है। इसमें बताया है कि कौन कौन से जीव जो होते हैं जो पूरी आयु का भोग करके ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, अकाल मरण जिनका हो जाता है, उसके लिए ये सूत्र इन्होंने दिया है 53 नंबर। चलिए मैं इसका उच्चारण करता हूं, अच्छे से सुनिएगा। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। देखिएगा बहुत कठिन नहीं है उच्चारण, सरल ही है। देखो औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय, उसके बाद फिर वर्षायुषो, उसके बाद फिर नपवर्त्यायुषः। नपवर्त्यायुषः उच्चारण कैसे करेंगे सुनिएगा। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। ये जो एस बना हुआ है यहाँ पर इसका उच्चारण नहीं करना है, मैंने कल बताया था ये अवग्रह का चिन्ह है, उच्चारण इसका नहीं किया जाता, ये केवल दिखाने के लिए लगा है कि यहाँ पर संधि हुई है, संधि सूचक चिन्ह है ये, इसका उच्चारण नहीं करना। उच्चारण कैसे करना है, औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। देखो क्या है इसमें बताया है, संधि विच्छेद करेंगे कि औपपादिक चर्मोत्तम देह असंख्येय वर्षायुषः अनपवर्त्यायुषः। अनपवर्त्य आयुषः मतलब आयुषः मतलब आयु उनकी कैसी होती है, अनपवर्त्य मतलब अपवर्त्य नहीं होती, बीच में कटती नहीं है, छिदती नहीं है, कम नहीं होती, अपवर्त्य नहीं होती, अनपवर्त्य होती है। तो कहा अनपवर्त्यायुषः, ये जीव जो है ये अनपवर्त्य आयु वाले हैं, इनकी आयु में कमी नहीं होती, बीच में रुकती नहीं है, कटती नहीं है, छेदन नहीं होता आयु कर्म का। तो किन किन की नहीं होती है, तो उन्होंने कहा औपपादिक जो उपपाद जन्म वाले हैं, कौन कौन से, देव और नार की। फिर कहा चरमोत्तम देहा, जो चरम उत्तम शरीर वाले हैं, जो चरम शरीरी है मतलब जो इसी इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, जो उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, ऐसे चरमोत्तम देह वाले जो हैं, और असंख्येय वर्षायुषः जिनकी आयु असंख्यात वर्षों वाली है, मतलब जो भोग भूमि अजीव है, एक पल्ले दो पल्ले तीन पल्ले की आयु वाले हैं, ऐसे उन जीवों की भी उन्होंने कहा है कि उनकी आयु जो है छिदती नहीं है, मतलब जहर खा करके तलवार आदि से कट करके या किसी भी प्रकार से जो है फांसी आदि लगा करके भी उनकी आयु का नाश नहीं होगा। हम लोगों की आयु का नाश हो सकता है क्योंकि हम तो ना तो औपपादिक शरीर वाले हैं, ना इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, ना हमारी आयु असंख्यात वर्षों में है। तो इस प्रकार से हमें ये समझ में आ जाता है कि जो है हम लोगों की आयु का घात हो सकता है, उनकी आयु कर्म का घात नहीं होता। किस किस का नहीं होता, तो देव नारकियों का, जो चरम शरीरी हैं उनका, और जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि जीव हैं उनका, इनका आयु कर्म जो है कम नहीं होता है। बाकी अन्य जो है उनकी आयु का क्या होता है, भाई उनकी आयु का कोई नियम नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। भाई हमारी आयु हो सकता है पूरी आयु हमें प्राप्त हो सकता है कि बीच में से किसी कारणवशात जो है अकाल मृत्यु हो जाए। इस प्रकार से आज हमने इस अंतिम सूत्र को दूसरे अध्याय के पूर्ण किया है। देखिए हमारा यह दूसरा अध्याय पूरा हो गया। इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे द्वितीयोध्याय नमो नमः। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।
बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे।